नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा में चुनावी दौर था, खत्म हो चुका है, लेकिन अब बेहतर होगा कि आप लोग जो नेताओं का भविष्य बनाने में दिन रात एक किए हुए थे, वक्त है कि अपना भविष्य भी तय करें, बच्चों का करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही आपका भविष्य तय करता है और ये सही वक्त भी है। दरअसल मेरे साथ इस वक्त शोभित सर हैं। शोभित सर क्यूरियस क्लासेस चलाते हैं, हिसार में जाना माना इंस्टीट्यूट है और हांसी में देवजी क्लासेस। लेकिन एक ज़बरदस्त ऑफर है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का कैरियर अभी टर्निंग पॉइंट पे है, जिनका कैरियर अभी बनना है। वो बच्चे 9th 10th के भी हो सकते हैं, 11th 12th के भी हो सकते हैं, लेकिन कैरियर जो है एक टर्निंग पॉइंट पे आके उनका खड़ा होता है, जहाँ से वो बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने कई बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं और ज़बरदस्त अनाउंसमेंट्स, वो आज से पहले कभी हुई नहीं थी, तो इसलिए हमने आज इनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। और ज़रूरी होगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद में शेयर भी करें। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चुनाव तो खत्म हो चुके, मैं बता रहा था लोगों को, जो लोग लगे हुए थे नेताओं का भविष्य कैरियर बनाने में, उनको जिताने में, हराने में, अब वक्त है कि अपने बच्चों का सिस्टम भी देख लें, क्योंकि वो ठीक से बनेंगे भविष्य तो उनका भविष्य भी बनेगा। और आपने जो स्कीम अनाउंस की हैं, जैसे मुझे पता लगा था कि बड़ी बड़ी स्कीम्स आज से पहले ऐसी हुई नहीं है, मतलब बेहद थोड़े से पैसे में, यानी कि बहुत मैक्सिमम स्कॉलरशिप के साथ में बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, कोचिंग इसको आप कह सकते हैं, कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए, वो IIT के हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, जहाँ के लिए भी होती हैं, वो आपने तय कर दी। और ख़ास तौर पर जो हांसी का जो रीज़न है उसको भी आपने बड़ा फोकस रखा है। तो आपसे पूछूंगा मैं भी, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होंगी, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे उसमें एलिजिबल होते हैं। और स्कॉलरशिप तो मुझे यहाँ तक बताया गया कि 90% तक, यानी कि 90% तक की आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सर्वेश जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये जो हम ऑफर लेकर के आ रहे हैं, ये मेनली हांसी और हांसी के आसपास के बच्चों के लिए रहेगा, और इसमें 8th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक में पढ़ने वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जैसे जिस भी बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनको आइडिया है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है और कैसे अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को समझना है। पर मान लीजिए कोई भी पेरेंट है जो एक बिजनेस करते हैं या फिर उनको एजुकेशन से आइडिया नहीं है, वो लोग अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार ही नहीं कर पाते। जब सही टाइम होता है तब वो अपने बच्चों को गाइडेंस दे ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि तैयारी करनी है तो करनी कैसे है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ना हिसार में 5 तरह के बैच होते हैं, 9th क्लास 10th। उससे पहले मैं बता दूँ कि हिसार में क्यूरियस क्लासेस के नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, और शायद आपने वीडियोस भी हमने बनाए थे, वो देखे होंगे। फिजिक्स में तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं शायद हिसार में, क्या हरियाणा में भी कोई तोड़ नहीं पाया। शोभित जैन खुद फिजिक्स की क्लासेस लेते हैं और तमाम सब्जेक्ट्स पे इनका पूरा फोकस रहता है जो इंस्टीट्यूट है। लेकिन रिकॉर्ड्स की जहाँ तक बात है ना, तो वो गजब के रिकॉर्ड इनके नाम हैं। उसके बाद में सर क्या होता है कि जैसे ना हमारे पास 9th 10th 11th 12th और रिपीट ड्रॉपर बच्चे होते हैं। अब 9th और 10th क्लास का जो हमारा बैच है ना, वो बहुत छोटे साइज का बैच होता है। उसके छोटे साइज का कारण क्या होता है कि क्योंकि पेरेंट को पता ही नहीं होता कि 9th 10th क्लास से थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाए और बच्चे को सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। हमारे पास 9th 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ वो होता है जिसके पेरेंट्स या तो पढ़े लिखे हैं, उनको अवेयर हैं, या फिर ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में जिसके बड़े भाई बहन हमारे पास पढ़ चुके हैं, या फिर वो किसी अच्छे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको पता है कि भी कितने समय पहले आना पड़ेगा, कितने समय पहले आना पड़ेगा। प्लस एक और बात है, जो हमारा ये छोटे बच्चों का ग्रुप होता है 9th 10th क्लास में, इसमें हम ज़्यादा ओवरलोडेड काम भी नहीं देते, हम हफ्ते में एक ही दिन बुलाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने हांसी शहर के बच्चों को भी इस फैसिलिटी को अवेल कराया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। ये हमने कोविड से पहले भी किया था 9th 10th क्लास का बैच, और उस टाइम भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। पर हुआ क्या कि उसके बाद कोविड के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अभी भी हमारे पास हांसी से बच्चे बाय कैब जा रहे होते हैं हिसार, पर हमने अब प्लान किया है कि अब से ही इस सेशन में भी और नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग हांसी में भी इसको प्लान आउट करना चाह रहे हैं, अगर बच्चे हांसी में पढ़ना चाहें तो। अदरवाइज़ हम हिसार में तो उनको अपॉर्चुनिटी दे ही रहे हैं। और अभी के लिए हम 8th 9th और 10th क्लास, जो बिल्कुल सही टाइम है एक बच्चे का तैयारी करना शुरू करने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट में, और उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चे को 6 दिन 7 दिन बुलाने वाले हैं हफ्ते में, हम हफ्ते में एक ही दिन बुलाने वाले हैं और बच्चे को इस तरह से गाइड करेंगे ताकि बच्चे को एक तो क्लैरिटी हो
कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ डेवलप हो रहा है, मुझे आगे सब्जेक्ट क्या ऑप्ट करना है, मुझे कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑप्ट करना भी है तो उसमें तैयारी किस तरीके से करनी है। बच्चे को पता ही नहीं होता, वो वैसे ही चीज़ों को रटते रहते हैं, सवालों के जवाब नहीं मिलते, और उसके बाद जब टाइम चला जाता है उसके बाद कहते हैं कि मेरे कोचिंग नहीं मिली। जैसे मैं खुद की बात करूँ, मैं खुद NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग करी, और मेरी खुद की NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मेरे फादर ने मुझे 10th क्लास के बाद कोचिंग के लिए दिल्ली भेज दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा दिल्ली से यहाँ से पढ़ाई कर। अब उन्होंने कहाँ से ये गाइडेंस लाए, कहाँ से नहीं लाए, मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है कि उस गाइडेंस के भरोसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया। आज वो गाइडेंस अपने हांसी शहर में हम 8th क्लास से, अभी हम ये नहीं कह रहे कि 8th क्लास का बच्चा आएगा तो उसे हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाले हैं, हम उसको हफ्ते में एक दिन गाइडेंस दे करके 9th क्लास के बच्चे को हफ्ते में एक दिन उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, ताकि वो बच्चा जब 10th क्लास के बाद 11th क्लास में स्ट्रीम ऑप्ट करने की सोचे तो वो कोई भी तो स्ट्रीम ऑप्ट कर सकता है। प्लस वो अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बच्चे किसी और स्कूल के बच्चे से, किसी और कोचिंग के बच्चे से कमज़ोर ना पाए, कंपटीशन जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। सर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास से हांसी में 9th-10th क्लास में पढ़े हुए बच्चे फिर आगे 11th-12th तक जाने के बाद ऐसा भी रहा है कि पूरे हिसार के टॉपर अपने हांसी से निकले हैं। ठीक है, अब बात यह कि पिछले 2-3 साल से हम हांसी में क्लासेस कम करके और हिसार में क्लासेस लिया करते और उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, तो सोच रहे हैं कि इस बार मान लीजिए वो बच्चों को हम हांसी में ही ये ऑप्शन दें, और हांसी में जो हम इस बार प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं उसमें क्या है कि आपको सिर्फ एनरोल करना है, उसके बाद हम हर क्लास के 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे। ठीक है, 8th, 9th, 10th और 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का, अब उनका जब टेस्ट होगा उस टेस्ट के बेसिस पे 50 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, और स्कॉलरशिप 90% तक रहेगी और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप 50% से ज़्यादा ही रहेगी। एनरोल कैसे करेंगे वो प्रोसीजर भी बता लगे। एनरोलमेंट के लिए बच्चों को कुछ नहीं करना, आपके पास एक नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे एक व्हाट्सएप करना है अपना नेम एंड क्लास, आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक पे गूगल फॉर्म फिल कर देना है, आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, और जो नंबर यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है उसको सेव जरूर कर लेना ताकि हम अपने लिस्ट में उसको ऐड करें और आपके पास मैसेजेस आ सकें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक बिल्कुल ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट सीखने की। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, आपका कहीं से भी यहाँ पे कोई क्लैश नहीं होगा टाइमिंग का, आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो और शायद अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो जो आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने में हेल्पफुल होंगे। एक सवाल ये भी बनता है जैसे आप जो स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट लेंगे तो वो किस सब्जेक्ट पे रहेगा, कितना सब्जेक्ट होगा, उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? मेनली तो हम एक बार स्टूडेंट्स को एनरोल करा करके उन बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, और एक बार उनके बैकग्राउंड्स को देखते हुए या तो मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए 8th-9th-10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैथमेटिक्स का ही टेस्ट होगा, प्लस अब हम उनको कुछ फिजिक्स में गाइडेंस देंगे और उसके बेसिस पे टेस्ट रहेगा बच्चों का। वो एक बार जब स्टूडेंट्स एनरोल कर देंगे और उसके बाद हम उनको गाइड करेंगे, और मेनली टेस्ट मैथमेटिक्स और बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का रहेगा। जो फिजिक्स का टेस्ट होगा उसके बारे में हम पहले गाइडेंस देंगे और उसके बाद ही टेस्ट लेंगे बच्चों का। अच्छा, गाइडेंस आपकी फ्री रहेगी, वो गाइडेंस देंगे और फिर टेस्ट होगा? गाइडेंस 100% फ्री रहेगी, प्लस इस कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो बिल्कुल नॉमिनल रहने वाली है। मतलब हम आपको बता दिया 90% तक जो है ना, अप टू 90% स्कॉलरशिप रहेगी, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की 90-80-70 ऐसे ही रहने वाली है, उससे कम नहीं रहने वाली। ठीक है, बस बात ये कि इस नंबर पे मैसेज करना होगा आपको, और आप एक बार अप्लाई करके जैसे जैसे प्रोसेस आपको मिलता जाए आप उसको फॉलो करते रहें। नंबर पे कॉल थोड़ा सा कम कीजिएगा क्योंकि वो शायद रिसीव ना हो पाए, हम और अपने बहुत टास्क में बिजी रहते हैं और क्लासेस में बिजी रहते हैं। आपके जो भी क्वेरी है इस नंबर पे मैसेज करेंगे आपको मतलब उसका जवाब मिलेगा। प्लस इसमें जैसे मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स क्लासेस होंगी, एक बार हम स्टार्ट फिजिक्स से करेंगे उसके बाद हम हिसार से अपने और जो फ्रेंड्स हमारे टीचर हैं या फिर जो हमारे और स्टूडेंट्स मतलब टीचर हैं उनके साथ मिलकर के पूरा सेटअप देने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए आपको सिर्फ इसमें एक बार एनरोल करना है। एक सवाल और है जैन साहब, इंजीनियर और डॉक्टर ये बनना कितना आसान या कितना मुश्किल? देखो सर, मैं ना आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अपने शहर में ना जिसको एजुकेशन का पता नहीं है वो सिर्फ एक बात सोचता है कि ये पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की होती है या पढ़े लिखे की होती है,
उनको ये लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, उनको लगता है कि इंजीनियरिंग करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। सच्चाई ये है कि इंडिया में इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना है तो उसके लिए एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए। इंडिया में दोनों ही एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, दोनों ही कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और ये पता ही नहीं है लोगों को। ठीक है, लोग सिर्फ पैसे से तोलते हैं उस बात को। घर का कोई बच्चा ये बोल दे मुझे डॉक्टरी करनी है तो माँ बाप मना कर देते हैं कि जी बेटा इतने पैसे लाएंगे कहाँ से। उनको पता ही नहीं है ये बात कि अगर मान लो बच्चा तरीके से 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ाई करे, जिस पढ़ाई को करने में मज़ा बहुत आता है अगर तरीके से सीखेंगे तो, अगर बच्चा तरीके से पढ़ाई करे उसके बाद गवर्नमेंट का टेस्ट कंडक्ट होता है, उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लगभग ना के बराबर होती है। आप अगर सही में अच्छा पढ़ना चाहते हो ना तो उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए जुनून चाहिए, मेहनत चाहिए, और इन सब से पहले एक अच्छी गाइडेंस चाहिए। और मैं खुद की बात करूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे को दिल्ली में कहीं प्रिपरेशन कराई और मेरे छोटे भाई को भी वहीं से कराई। मतलब मैंने NIT कुरुक्षेत्र से BTECH करा और मेरे छोटे भाई ने IIT खड़गपुर से, आप जानते ही हैं बातों को। और आज हमारे पास से हर साल इतने टॉपर्स निकल रहे होते हैं, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है, जैसे लगातार हर साल फिजिक्स में 100% लाने वाले हमारे स्टूडेंट्स। लेटेस्ट जो JEE मेंस हुआ था उसमें हमारे 3 स्टूडेंट्स ने 100% हासिल किया स्कोर। 100% का मतलब क्या है कि वो पूरे इंडिया में सबसे टॉप हैं, 100 में 100 नंबर आए हैं, कमी नहीं है। मैं JEE मेंस की बात कर रहा हूँ, स्कूल के मार्क्स की बात नहीं कर रहा। और मतलब मैं और क्या बताऊँ आपको, मेरे खुद के 10th क्लास में सिर्फ 68% मार्क्स थे, फिर भी मैं 12th क्लास के बाद IIT क्लियर कर पाया था। मेरे छोटे भाई के 72.4% मार्क्स थे, वो IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट है। रीजन सपने बोले तो गाइडेंस। सपने देखने नहीं आते सर बच्चों को, और सपने देखने के बाद सही गाइडेंस नहीं मिलती। एक बड़े इंस्टीट्यूट का नाम सुन करके उसके पीछे भाग लेते हैं, अब वहाँ पे कोई कुछ भी पढ़ा दे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको एक छोटा सा जवाब देता हूँ इस बात का। मैंने मेरी लाइफ की पहली क्लास दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में ली थी, मैं वहाँ पे सबसे जूनियर टीचर था। ऑब्वियसली कोई भी पढ़ाना शुरू करेगा तो जूनियर टीचर ही होगा। उस बैच में पढ़ने के लिए हिसार के 2 बच्चे गए हुए थे। आप मुझे सब एक बात का जवाब दे दो, हिसार के 2 बच्चे एक जूनियर टीचर से पढ़ने गए थे या किससे पढ़ने गए थे? होता क्या है कि बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर होते हैं, हर एक टीचर का अलग कैलिबर होता है, आपकी चॉइस होती नहीं, आप कहीं से पढ़ लेते हो। हम क्या करने वाले हैं, जैसे अभी जो बच्चे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में या 11th क्लास में हैं, हांसी के अगर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मतलब हम इंस्टीट्यूट पे बुलाएंगे उन बच्चों को। बाहर का भी कोई बच्चा है अगर हमारी गाइडेंस को लेना चाहता है तो वो भी मैसेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ऑनलाइन पूरा कोर्स रहने वाला है, और हम 100 स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे, मतलब 100 स्टूडेंट्स को फॉर्म देंगे फिल करने के लिए। उसमें से 50 बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं हमारे साथ सीखने की, और 50 स्टूडेंट्स की मतलब हर एक बच्चे की जो स्कॉलरशिप होगी वो मोर देन 50-60% तो रहनी रहने वाली है, और 90% तक रहेगी। आपको बस अप्लाई करना है और उसके बाद जो जो आपको मैसेज पे बात बोली जाए उसको फॉलो करते रहना है। पर हम ऐसा नहीं चाहते कि 5-10 बच्चों ने अप्लाई कर रखा हो और उसमें टेस्ट लिया जाए, एक अच्छा नंबर होना चाहिए। 100 बच्चे पर क्लास आप एनरोल करो। आपके लिए मैं जानता हूँ ये बहुत आसान टास्क है, एक स्कूल में ही 100 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। हांसी में कितने स्कूल्स हैं, आसपास कितने स्कूल्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हांसी के आसपास कोई बच्चा होगा तो उसको आने जाने की ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आप नहीं आ सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको घर से बैठे आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हो। और मतलब 100 स्टूडेंट पर क्लास का एनरोलमेंट, और उसके बाद 50 स्टूडेंट्स का हम बैच बनाने वाले हैं जिसको अच्छे से तैयारी कराएंगे ताकि बच्चे का भविष्य सिक्योर रहे। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, आप अगर सही में एक अच्छी गाइडेंस चाहते हो, फीस मैटर है ही नहीं, आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है कि आप कहोगे कि ऐसा ऑफर पहले कभी आया नहीं है। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आप हमारे इस ऑफर को सक्सेसफुल कर देते हो, मेरे को पढ़ाने में मज़ा तब आएगा जब मेरी क्लास भरी होगी। अगर आप अच्छे से एनरोल कर देते हो, अपने दोस्तों को एनरोल करा देते हो, उसके बाद ऐसा ऑफर हम हर साल आपके लिए लेके आएंगे,
बस बात एक ही, आपका पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका बात को मानने का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर ये सोचते हो ना इस इंटरव्यू को देख करके आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी तपस्या करी है, हमारे बच्चे भी तपस्या करते हैं, और मैं आपको बोलूँगा कि ये आपके पास एक मौका है, इस मौके को छोड़ना मत, अप्लाई कर दो बस एक। उसके बाद जैसे से आपको बताया जाए वैसे फॉलो करना, इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि इससे आप सब्जेक्ट में एक अलग इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो प्लस, और आप ये कह दोगे कि आप पहले कहीं भी पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिल रहा है, और आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो तो आप कुछ मत सोचो, बस अप्लाई कर दो, बाकी सारा काम मेरे पे छोड़ दो। आपको जैसे से काम कराया जाएगा, आपको पूरा सिलेबस भी कराएंगे, पूरा कोर्स भी कराएंगे, और आपसे कहलवाएंगे ये बात कि सब्जेक्ट सीखा है तो यहाँ सीखा है। शुक्रिया जैन साहब। शोभित जैन थे, क्यूरियस क्लासेज हिसार में और हांसी में देवजी क्लासेज। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी भविष्य तय करने की है, भविष्य बनाने की भी है, और ज़रूरी भी है कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। और फॉलो थोड़ा सा करना है, जिस नंबर जो नीचे फ्लैश कर रहा है इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, और उसके बाद में फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा, और बेहतर गाइडेंस, बेहतर कोचिंग, और फिर ये तय है कि बच्चों का भविष्य आप बना पाएंगे, कामयाबी जरूर, कामयाबी मिलना तय है। खुल के कमेंट करें, कोई क्योरी है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आप देखते हैं एक मत पोस्ट।